गणित विधि से आज हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि हमारे पास कोई संख्या मान लो दी है क्या 29,791 और इसका हमको घनमूल निकालना, मतलब हम 29,791 को इस प्रकार से लिखते हैं और इसकी घात बना देते हैं 3। अब बाईं ओर से यदि हम 3-3 के समूह बनाते हैं तो पहला समूह 791 का बन गया और दूसरा बन गया 29 का। यहाँ दाएं समूह में केवल 2 अंक है, इसे भी हम एक समूह मानते हैं। संख्या के जितने समूह बनते हैं उतने ही संख्या का आपको घनमूल प्राप्त हो। घनमूल की इकाई को निश्चित करना, 791 में क्या इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है 1 है, इसलिए घनमूल की इकाई भी 1 होगी। ध्यान से देखिए, क्या घन संख्या में इकाई का अंक हमको 1 मिला, इसलिए घनमूल की इकाई भी क्या होगी 1 होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि घनमूल की में इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया। दूसरा निर्धारण है 29 से, तो यहाँ पर दूसरा पेयर हमारे पास 29 है और 29 का निकटतम घनमूल यदि ध्यान से देखें तो 29 का निकटतम घनमूल हमारे पास है 3। 4 का घन तो 64 है, 27 का घनमूल है 3। जो संख्या है और उसके घन अपन ने लिखे तो यहाँ पर दाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया, अर्थात ये किसका घन है, ये 31 का घन है। पुनः अगली संख्या हम ले रहे हैं, अगली संख्या हमारे पास है 941,192 का घनमूल। इसका घनमूल निकालना मतलब क्यूब रूट। क्या दाहिनी ओर से इसके भी हम पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बना 192 का और दूसरा पेयर बना 941 का। अब यदि ध्यान से देखें तो 3-3 के समूह बनाने पर हमारे पास 2 समूह बन रहे और घन संख्या की इकाई 2 है। घन संख्या की इकाई क्या है 2 है, अर्थात घनमूल की जो इकाई होगी, ध्यान से देखिए, जब हम इन संख्याओं का घन करते, 1 का घन करते तो 1, 2 का घन करते तो 8, 3 का घन करते तो 27, ऐसे ही 10 तक की संख्या के घन अपन ने किए, तो इससे हम निर्धारित करते कि अगर घन संख्या की इकाई 1 है तो घनमूल की इकाई क्या होगी 1। घन संख्या की इकाई 1 है तो घनमूल की इकाई भी क्या होगी 1। और यदि तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, घन संख्या की इकाई यहाँ पर क्या है 2 है, घन संख्या की इकाई यहाँ 2 है, तो ये किससे मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ पर कोई ऐसा अंक आता 8, 8 का 8 में 3 बार गुना करते तो इकाई का अंक आता 2। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, यदि यहाँ पर 2 है तो 2 काहे से आया होगा 8 से, तो हम लिख सकते हैं घन संख्या की इकाई 2 है अर्थात घनमूल की इकाई क्या होगी 8 होगी। बाएं समूह 941 का निकटतम घनमूल अगर देखेंगे तो ये तो बड़ा है और ये 941 है, तो हम कह सकते हैं 941 का निकटतम घनमूल के लिए हमारा उत्तर दूसरा क्या होगा 98, अर्थात 98 का 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 941,192। अगली संख्या है कितनी 140,608, इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, मतलब क्यूब रूट 140,608, पहला पेयर और ये है दूसरा पेयर, इसमें 2 पेयर बन गए, 3-3 के समूह बनाते 2 समूह बने, अर्थात हमारे पास घनमूल में 2 अंक होंगे, क्योंकि यहाँ पर घन संख्या की इकाई 8 है, अतः घनमूल की इकाई क्या होगी, तो घन संख्या की इकाई क्या है 8 है, तो हमारे पास इसकी इकाई क्या होगी 2 होगी। 140 का निकटतम वर्गमूल अगर हम देखें तो वो संख्या है 125, क्योंकि 216 बड़ी है, 125 काहे से 5 से प्राप्त होता है, अर्थात ये किसका, ये 52 का घन है 2197 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। जब 2197 का घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास देखिए 2197
पहला पेयर 197 का, दूसरा पेयर 2। ध्यान दे, दूसरे पेयर में एक ही अंक है, लेकिन एक अंक का भी ये पेयर बनेगा। अब 197 में हमारे पास क्या है? 7। घन संख्या की इकाई 7 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घनमूल होगा उसकी इकाई क्या होगी? घन संख्या की इकाई क्या है? 7 है। तो जो घनमूल होगा उसकी इकाई क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, अगर घन संख्या की इकाई 7 है तो घनमूल की इकाई क्या होगी? 3 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ घनमूल की इकाई क्या होगी? 3। दूसरा पेयर 2 है और 2 का निकटतम घनमूल हम जानते हैं, 2 का निकटतम घनमूल 1 होगा, क्योंकि 2 का घन 8 हो जाता है। 8 का घनमूल 2 है और 2 का निकटतम घनमूल 1 के निकट आएगा, तो ये संख्या क्या होगी? ये 13 का घन है। अगली संख्या हम लिख रहे हैं 10,648। 10,648 का क्या घनमूल निकालना, इसका घनमूल निकालना, 10,648 का घनमूल निकालना, 10,648 का घनमूल निकालेंगे हम। हमारे पास पहला पेयर 648 का हुआ और दूसरा पेयर किसका? 10 का हुआ। हमारे पास मान को ध्यान से देखें तो हमारे पास घन संख्या की जो इकाई है वो क्या है? 2 है। यहाँ पर इकाई 8 है। यहाँ घन संख्या की इकाई देखें तो यहाँ पर क्या है? 8 है। तो घनमूल की इकाई क्या होगी? उसके लिए पुनः देखें अपन अपने इस चार्ट को कि हमारे पास घन संख्या की इकाई कितनी? 8 है। तो 8 कहे से आएगा? 2 से। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? 2 आएगा। 10 का निकटतम घनमूल अगर देखे तो वो 27 का घनमूल 3 है, 8 का घनमूल 2 है, तो 10 8 के करीब है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इस 2 को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 27 तो बड़ा हो गया, तो हमारे पास ये किसका घन है? ये 22 का घन है। या हम जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। जो परफेक्ट क्यूब है हम उसी का केवल घन निकाल सकते हैं इस मेथड से, अन्य से नहीं। और ध्यान रखना, जो पूर्ण घन संख्या है, जो क्या पूर्ण घन संख्या है, उसका बीजांक यदि हम किसी भी संख्या को देखें, जैसे संख्या 1 उसका घन मतलब 1, इसका बीजांक 1, इसका बीजांक 8, 7 और 2 दोनों अंकों को जोड़ दो तो इसका बीजांक कितना आता? 9। 6 और 4 दोनों अंकों को जोड़ दो तो 10 आता। 10 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे 1 और 0 को तो इसका बीजांक 1। 125 के दोनों तीनों अंकों को यदि जोड़े 1 × 2 × 5 तो हम पाते 5 × 2 = 7 और 1 = 8। 216 के तीनों अंकों को जोड़िए तो हम पाते हैं कि मान आया 9। 343 के तीनों अंकों को जोड़िए तो इनका बीजांक आपको मिलता है 10 और फिर दोनों अंकों को जोड़ो तो इसका बीजांक मिलता है 1। 512 के तीनों अंकों को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 9। 729 के इन तीनों अंकों को जोड़ के देखिए तो मान मिलता है 18। 18 के दोनों अंकों को फिर जोड़िए तो मान मिलता है 9। 1000 के सारे अंकों को जोड़िए तो आपको मिलता है 1। कहने का मतलब है किसी संख्या का बीजांक यदि 1, 8, 9 हो तो ही वो पूर्ण घन हो सकती है। पूर्ण घन संख्या है मतलब बीजांक उसका निश्चित ही क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए या क्या 8 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, तो ही वो पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हमने आज पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना सीखा। उम्मीद है आप सबको ये विधि समझ में आई होगी। हमारे लिए सिर्फ ये 2 जानकारी चाहिए कि संख्या क्या है, उसका घन कितना है, और दूसरी जानकारी चाहिए होती है कि घन संख्या की इकाई अगर 1 है तो घनमूल की इकाई क्या होगी, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। 1 का घन करते तो 1, 2 का घन करते तो 8, 3 का घन करते तो 27, 4 का घन करते तो 64। मतलब घन संख्या की इकाई काहे से आएगी? 1 से आएगी। अगर घन संख्या की इकाई 2 है तो 8 का 8 में 3 बार गुणा करते तो 512 इकाई का अंक 2 आता। 7 का 7 में 3 बार गुणा करते 343 इकाई का अंक 3 आता। 4 का 4 में 3 बार गुणा करते तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 का इकाई का अंक 4 आता।
5 का 5 में 3 बार जब गुणा करते हैं तो हमारे पास 125, तो घन संख्या की इकाई क्या रहेगी? 5। तो इन चार्टों की सहायता से बड़ी आसानी से हम घनमूल को निकाल सकते हैं, और इसको आप याद रखिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेषकल धन्यवाद।